दोस्तों रोबो ऑर्डर, आई थिंक पूरी मार्केट में सारे ऐप्स के अंदर अगर सबसे रहस्यमय ऑर्डर कोई है तो वो है रोबो ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, एंजल वन ये फैसिलिटी देता है रोबो ऑर्डर की, जिसमें आप एक ही साथ प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर, एक ही साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक ही साथ बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब बाय ऑर्डर लगाएंगे या फिर सेल ऑर्डर लगाएंगे, एक साथ ही आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और एक ही ऑर्डर में आपका प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर लग जाएगा। मसलन 200 का आपको कोई कॉल खरीदना है तो साथ ही 180 का स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और 220 का प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी लग जाएगा। निश्चिंत होकर आप बैठ जाइए। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी चल रहा है वो ये है कि एंजल वन ने एक अपडेट इसके अंदर डाल दिया, जिसमें पहले क्या होता था, पहले दोस्तों पॉइंट लगते थे स्टॉप लॉस ऑर्डर में भी और प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर में भी। अब क्या किया दोस्तों, अब प्राइस डालना है। मतलब 200 रुपए का आपने लिया, पहले आप 20 पॉइंट डाल देते थे तो 180 का स्टॉप लॉस लग जाता था। अभी क्या है, आपको पॉइंट नहीं डालने, सिर्फ 180 लिखना है वहां पे। ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी इस वीडियो में दोस्तों। इससे पहले हम लाइव देखें कि रोबो ऑर्डर कैसे लगाना है। तीन बातें हैं, तीन खास बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप रोबो ऑर्डर लगाने के बारे में सोचें। सबसे पहले ये दोस्तों कि रोबो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में लग सकता है, उसके बाद नहीं लगेगा। नंबर दो दोस्तों, रोबो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे, जी हां दोस्तों, अगर इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तभी लगेगा। अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे तो रोबो ऑर्डर आपको अपने ऐप में दिखाई भी नहीं देगा। फिर काफी लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे में रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी है ही नहीं, कैसे एक्टिवेट करें, किससे बात करें, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो रोबो ऑर्डर आपको दिखाई दे जाएगा। नंबर तीन दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये कि अगर रोबो ऑर्डर हमने एक बार लगा दिया, मान लीजिए 200 का मैंने कॉल लिया, 180 का स्टॉप लॉस लगा दिया और 220 का प्रॉफिट बुकिंग लगा दिया, तो क्या मैं बीच में से निकल सकता हूं? बीच में मतलब 205 चल रहा है या 195 चल रहा है तो वहां पे मैं एग्जिट ले सकता हूं? जी हां, बिल्कुल एग्जिट ले सकते हो। जब आप चाहें तब आप रोबो ऑर्डर के अंदर से एग्जिट ले सकते हैं। ये पोजीशन पे जाके एग्जिट नहीं होगा, आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग का जो ऑर्डर है उसको नीचे लेके आ जाना है, आप एग्जिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों, लाइव में ये भी दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, किसी भी ऑर्डर पे होगा क्या दोस्तों, आपने एक रोबो ऑर्डर लगाया, 200 पे बाय लगाया, 180 पे स्टॉप लॉस लगाया, 220 पे आपने प्रॉफिट बुकिंग लगाया, तो मान लीजिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो दो नए ऑर्डर आपके दिखाई देंगे, दो नए ऑर्डर आपके अकाउंट में लग जाएंगे, एक 180 का स्टॉप लॉस का ऑर्डर और एक 220 का प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी ऑर्डर पे जाके एग्जिट पे क्लिक कर देंगे तो उसी समय मार्केट रेट पे ये निकल जाएगा। मार्केट पे नहीं काटना तो जितने का चल रहा है उतने का प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर चेंज कर दीजिए, वहां से आप निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एग्जिट कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, एडिट भी कर सकते हैं। एडिट मतलब 180 का स्टॉप लॉस लगाया, 220 का प्रॉफिट बुकिंग, दोनों ऑर्डर को सेपरेटली आप एडिट भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपको इस वीडियो में आज मैं दिखाऊंगा, कैसे बाय करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे बीच में एग्जिट करना है, ये सारी चीजें आपको मैं लाइव आज इसमें दिखाने वाला हूं दोस्तों। पिन पे आ गए हैं एंजल वन की, यहां पे दो मैंने ऑप्शन ऐड कर रखे हैं, एक 45-100 की कॉल है और 45-200 का पुट है। अब मुझे रोबो ऑर्डर लेना है दोस्तों, तो मैं कॉल लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट यहां से थोड़ी ऊपर जाएगी। सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट या लॉसेस के अंदर मैं बुक ना करूं दोस्तों, तो मैं इस पे चला जाऊंगा। इस पे जाके बाय पे क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, एक लॉट यहां पे डाल दूंगा दोस्तों। अब आपको दिखा दूं मैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं जिस चीज़ को लेके, कि कैरी फॉरवर्ड मैं अगर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखिए रोबो ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें रोबो ऑर्डर दिखाई नहीं देता, हमारे में ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है, आप इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए यहाँ पे रोबो ऑर्डर का ऑप्शन आ गया। तो रोबो ऑर्डर के ऑप्शन को मैं टिक कर लेता हूँ। यहाँ पे टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस। तो फिलहाल चल रहा है 258, तो लिमिट प्राइस मैं डाल देता हूँ 250 और स्टॉप लॉस प्राइस, पहले हम टेस्ट करते हैं कि हमें टारगेट पॉइंट डालने हैं या फिर प्राइस डालना है। तो स्टॉप लॉस टारगेट डाल के देखते हैं, पहले पॉइंट डाल के देखते हैं। 20 मैंने यहाँ पे डाल दिया और टारगेट में भी यहाँ पे 20 डाल दिया। अब देखिए इसमें मार्जिन आ गया कितना चाहिए, 3750। अब मैं इस पर करूँगा प्लेस योर ऑर्डर, तो ये नहीं होगा प्लेस योर ऑर्डर। देखिए टारगेट प्राइस शुड बी मोर देन लिमिट प्राइस, क्योंकि टारगेट प्राइस काफ़ी कम है लिमिट प्राइस से, 250 से 20 काफ़ी कम है। तो इसका साफ मतलब है दोस्तों कि हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा प्राइस, एक्चुअल प्राइस। तो 20 पॉइंट का मुझे लेना है तो 230 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 270 का मैं यहाँ पे टारगेट प्राइस लगाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस, इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है दोस्तों। देखिए काफी बार काम नहीं करता, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस मत लगाइए। दिखा देता हूं एक बार आपको इसके अंदर होता क्या है। मान लीजिए यहां पे आपने 5 डाल दिया, होना क्या चाहिए आइडली, जो होता नहीं, तो 5 डालने के बाद क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए 250 पे मेरा ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूट हो गया, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा 230 का और टारगेट प्राइस लग जाएगा 270 का। तो होना क्या चाहिए, जैसे ही 255 पे जाए वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस प्राइस ऑटोमेटिकली रिवाइज होके 235 हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, टारगेट प्राइस सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर ये 260 पे चला जाएगा, आगे भाव ऊपर जाएगा, तो ये यहां पे रिवाइज होके हो जाएगा 240। जी हाँ दोस्तों, तो जितना जितना ये ऊपर जाएगा ना, 5-5 के गैप पे ये बढ़ता रहेगा, ये इसका फंक्शन होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। मान लीजिए 270 ये चला गया और टारगेट मैंने ऊपर का लगा रखा है 290 का, 270 चला गया, तो जो स्टॉप लॉस प्राइस है ये 20 पॉइंट नीचे ही रहेगा, ये अपने आप ऊपर आता रहेगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस प्राइस जो है ये ऊपर तो आ जाता है, लेकिन अगर शेयर नीचे आएगा तो नीचे नहीं आएगा। मसलन आपने यहाँ पे टारगेट लगा रखा है 300 का और 250 पे आपने बाय किया, ये चला गया 290 और ये यहां पे 20 पॉइंट ही नीचे रहेगा, 270 ये यहां पे आ जाएगा। अब अगर ये 290 से नीचे 270 चला जाएगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये 270 पे अटक जाएगा और वहां पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो इसका फंक्शन है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि फंक्शन काम नहीं करता है तो इसको अवॉइड कीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है दोस्तों, सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपना बाय कीजिए यहां पे और मैनुअली ऑर्डर को ट्रेल कीजिए, मैनुअली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। मतलब 250 पे आपने बाय कर लिया तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपने लगा रखा है 230 का, अगर 260 पे चला जाए तो ऑटोमेटिक मैन्युअली जाके ऑर्डर्स में जाके इसको आप एडिट करते रहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब एक टेस्टिंग के लिए आपको लेके दिखा देता हूं। 250 पे मैंने ये बाय का ऑप्शन डाल दिया, टारगेट यहां पे डाल दिया मैंने 270 का और ये प्लेस मैं बाय ऑर्डर यहां पे कर देता हूं दोस्तों। स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हटा देते हैं यहाँ से, कंफर्म कर दिया मैंने, ये देखिए ऑर्डर यहाँ पे लग गया। जैसे ही 250 जाएगा ऑटोमेटिकली दो ऑर्डर लग जाएंगे, देख लिए 250 पे एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देख सकते हैं दो ऑर्डर यहाँ पे लग गए, एक सेल का ऑर्डर प्रॉफिट बुकिंग का और एक सेल का ऑर्डर स्टॉप लॉस का दोस्तों। अब देखिए 256 चला गया तो मैं क्या करूंगा, जो स्टॉप लॉस प्राइस है, स्टॉप लॉस पेंडिंग है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट करके यहाँ पे मैं इसको 240 कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कंफर्म ये एडिट हो गया। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं इसे एग्जिट कैसे लेना है। एग्जिट लेने के लिए दोस्तों किसी भी ऑर्डर में जाके आप एग्जिट ले सकते हैं, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। पोजीशंस में जाके देखिए 253 252 चल रहा है, तो मान लीजिए आपको एग्जिट लेना है तो आप सीधा यहां से एग्जिट नहीं ले पाएंगे, यहां पे एग्जिट जाएंगे तो यहां से नहीं ले पाएंगे, आपको ओपन ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ओपन ऑर्डर में जाके इसमें एग्जिट यहां पे डालिए, स्क्वेयर ऑफ करना होगा, तो यहां से स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो मार्केट पे हो जाएगा। एक काम कीजिए, जो टारगेट है इसको रिवाइज कर दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। एडिट ऑर्डर यहां पे 253 है, इसको 255 में यहां पे कर देता हूं। ये देखिए जैसे ये 55 हिट करेगा दोनों ऑर्डर हट जाएंगे दोस्तों, दोनों ऑर्डर यहां से गायब हो जाएंगे, दोनों ऑर्डर यहां से हट जाएंगे, इसका मतलब ये देखिए दोनों ऑर्डर यहां से गायब हो गए। तो इस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं। ध्यान रखना एग्जिट करने के लिए पोजीशन से नहीं होगा, टारगेट ऑर्डर को रिवाइज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली दोनों ऑर्डर आपके वहां से हट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इससे हम यहां पे एग्जिट हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि रोबो ऑर्डर कब लगता है, कैसे लगाना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे एडिट करना है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बिंदास आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज आपको मैं बता दूं, डिस्क्लेमर यहां पे दे दूं, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, जैसे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, गैप देके ऑर्डर लगाते हैं। इसमें आप गैप देके ऑर्डर नहीं लगा पाते, 180 का आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 180 का ही लगेगा, तो कई बार ये होने के चांसेस रहते हैं। 1% चांस ये होता है कि मार्केट अगर एकदम से नीचे गिर जाए तो 180 आपका स्किप हो सकता है और हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टॉप लॉस लगाते हुए कि हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। दूसरी चीज एक और बता दो दोस्तों कि इसमें आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हुआ तो प्रॉफिट वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। शायद इसीलिए इसको रोबो ऑर्डर बोलते हैं कि इससे काफी कम एफर्ट आपका लगता है
एक ही साथ आपका सारा काम हो जाता है, ऑर्डर लगा के आप शांति से बैठ जाते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके और क्वेश्चंस है, कोई भी और आपके डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों काफी सारे जरिए मैंने कनेक्ट करने के आपको दे रखे हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइव मेरे साथ संडे के दिन जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।